नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम, स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। कंटेंट मार्केट स्ट्रेटेजी के कोर्स के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंटेंट मार्केट प्लानिंग, यानी कि किस तरीके से कौन सा कंटेंट हम लोग कब डालेंगे। इन चीजों के बारे में प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो में हम लोग वही चीजें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट का प्लानिंग करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप लोग ये जो भी पीपीटी वगैरह देख रहे हैं और जो भी मैं पीपीटी वगैरह पढ़ा रहा हूँ आपको, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कोई पैसा पेड करने की जरूरत नहीं। आप बस ये कीजिए कि आप जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। और उससे होगा क्या, आपको आसानी क्या होगा, जो भी मैं पीडीएफ दिया हूँ उससे आपका रिविजन बहुत तेजी से हो जाएगा, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, कंटेंट मार्केटिंग प्लान। अब कंटेंट मार्केटिंग प्लान हम लोग किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग प्लान करेंगे। अब सपोज करते हैं कि मैंने ना एक ऑनलाइन मास्टरी कोर्स बनाया है, ठीक है, जो कि टीचर को ये प्रोवाइड करेगा कि वो अपने कोर्स को किस तरीके से सेल आउट करे, किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करे और उनको क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजों के बारे में मैंने एक सेपरेट बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्स बना दिया है। अब देखिए, उस कोर्स का नाम है ऑनलाइन मास्टरी कोर्स। कोर्स का नाम है ऑनलाइन मास्टरी कोर्स। अब देखिए, ऑनलाइन मास्टरी कोर्स का हमारा कंटेंट मार्केटिंग का गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे एनरोल करें। मान लीजिए उस कोर्स का प्राइस है 49 रुपीज, ठीक है। अब मैं क्या चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कोर्स में एनरोल करें। और इसमें मैं बताया क्या हूं कि मैं वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया हूं जो लोग ऑनलाइन टीचिंग में, मतलब जो भी लोग ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं, जो जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश किया हूं। अब मान लीजिए ना कि मेरा, अब क्या मैं उसको प्रमोट के लिए क्या करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें चूज कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे जो जो तीन प्लेटफॉर्म लगता है, मुझे लगता है ब्लॉग पोस्ट मेरे काम का चीज नहीं है, मेरे लिए यूट्यूब काम का चीज है, मेरे लिए इंस्टाग्राम काम का चीज है, मेरे लिए फेसबुक काम का चीज है। तो जो भी मैंने आपको पिछले ही कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बताया था कि कोई भी तीन प्लेटफॉर्म चूज कीजिए और मुझे लगता है कि यूट्यूब सबसे प्रायर पर है, तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं डेली इस चीजों पे वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। अब डेली मान लीजिए मैं सातों दिन वीडियो डालना शुरू कर रहा हूं। अब मैं ये इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि डेली वीडियो से डेली एंगेजमेंट होगा। या मैं ये कर सकता हूं कि मैं डेली ना डाल करके एक दिन कोई वीडियो डाला, प्रॉब्लम बताया, दो दिन तक उसका असर रहता है, फिर तीसरे दिन, फिर दो दिन छोड़ा, फिर तीसरे दिन, यानी कि सप्ताह में लगभग तीन वीडियो मैं डालूंगा जो कि बताएगा किस चीजों के बारे में, मेरे ऑनलाइन कोर्स के बारे में और क्या क्या प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आप लोग इस कोर्स के माध्यम से किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। अब उसके बाद मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो जिस दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा उसके अगले दिन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा या मैं ये चीजें बताऊंगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप मेरा कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स जाकर के ले सकते हैं या यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यानी जिस जिस दिन मैं, मान लीजिए इस दिन नहीं किया, वीडियो नहीं डाला, तो उस दिन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, उसके अगले दिन मैं वो वीडियो उठा करके सेम वीडियो थोड़ा मोड़ा एडिट करके मैं वही सेम वीडियो फेसबुक पे डाल दूंगा। यानी कि एक यहाँ पे पोस्ट वगैरह डाला, यहाँ पे वीडियो डाल दिया, फिर उसके बाद मैं क्या किया, यहाँ पे जब आया तो फिर दूसरे दिन मैं वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, फिर वही सेम वीडियो को अगले दिन मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम के लिए एडिट करके डाल दिया, उसके अगले दिन मैं फेसबुक पे एडिट करके डाल दिया। तो इस तरीके से मैं कंटेंट मार्केटिंग का कुछ इन्फोग्राफिक्स, कुछ उससे रिलेटेड मीम वगैरह मैं फेसबुक वगैरह पोस्ट पे शेयर करके लोगों को एंगेज करूंगा ताकि मैं क्या करता हूं, मैं किस तरीके से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, ये लोगों को अच्छे से पता चल जाए। और देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, रैंडम वीडियो कुछ भी बना देंगे और मेरा वीडियो वायरल कर देगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, वो लक की बात है, कभी कभी हो जाता है वो चीजें। अब देखिए, आपको क्या, अगर कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं और बिना प्लानिंग के अगर आप करेंगे, बिना जोड़ घटाव जाकर के बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे ना, तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जो भी काम कीजिए ना उसका एक प्लानिंग कीजिए। अगर आप टीचर हैं, आपको पहले क्लास में आपको यही करना चाहिए कि आप प्लानिंग वगैरह ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन मास्टरी कोर्स में बताया हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, आप जाकर के उस कोर्स को ले भी सकते हैं। तो उसमें मैं सारी चीजें बताया हूँ कि किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। और जहां तक रही बात की अगर आप ऑनलाइन ये सब चीजें देख रहे हैं और रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने को चाह रहे हैं तो आप वो कोर्स देख सकते हैं। अब देखिए, मार्केटिंग प्लानिंग के माध्यम से क्या हुआ, कोई भी चीज मैं ना रैंडम आकर के अगर आपको कोर्स सेल करने पे आऊंगा तो कोई मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करेगा, कोई वो कोर्स लेगा नहीं। और यही चीजें हम लोग भी करते हैं, हम लोग बिना फेथ गेन किए, बिना सारी चीजें किए हम लोग कोर्स सेलिंग पे आ जाते हैं, जो कि हमेशा निगेटिव इंपैक्ट होता है। और रही बात कॉन्टेंट की, तो कॉन्टेंट कोई भी आपका क्यों देखेगा। अगर मैं मान लीजिए ऑडियो से रिलेटेड कोई बात बता रहा हूं और मेरा ऑडियो खुद खराब है तो लोग कभी वो ऑडियो पे फोकस ही नहीं करेंगे, क्या ये तो ऑडियो का कोर्स बेच रहा है और उसका ऑडियो तो खुद खराब है। तो कहने का मतलब यह है कि कंटेंट मार्केटिंग प्लानिंग के माध्यम से हम लोग उन लोगों को ये बिलीफ दिला सकते हैं कि हाँ, हमको इस चीजों के बारे में नॉलेज है, अगर आप हमारे पास में आएंगे तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और मार्केटिंग प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है
जिस तरीके से आप कोई क्लास वगैरह पढ़ा रहे हैं तो आप एक प्लान करते हैं ना, इस दिन में रेशियो पढ़ाऊंगा, इस दिन में अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, ऐसे में क्वेश्चन कराऊंगा, या अगर कोई बुक वगैरह लेते हैं तो उसमें होता है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, तो अगर वो प्लानिंग वे में ना करे, वो कुछ भी रैंडम डाल दे तो आपको मजा नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप जो भी कंटेंट बने उसका प्लानिंग रखिएगा, हाँ फ्राइडे के दिन मैं मूवी से रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, सैटरडे के दिन मैं इससे रिलेटेड कंटेंट डालूंगा। और ये चीज है ना, विदेशी लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए विदेशी लोग आगे भी हैं इन सब मामलों में, क्योंकि वो लोग हर चीजें प्लानिंग के माध्यम से करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसका प्लानिंग रखिए, किस दिन मुझे यूट्यूब पे डालना है, किस दिन मुझे इंस्टा पे डालना है, किस दिन मुझे फेसबुक पे डालना है। और हो सकता है कि आप ये चीजें कर भी रहे हो तो और अच्छे तरीके से कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि और भी इंगेजिंग फेसबुक पोस्ट, इंगेजमेंट कैनवा वगैरह का यूज करके आप कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो हम लोग ये सारी चीजों के बारे में लगभग खत्म कर चुके हैं, एक लास्ट वीडियो मैं आपके लिए कल कर दूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सारी चीजों को मेजर करेंगे, यानी कि जो काम अभी आप कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें आप मेजर कैसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।